हैप्पी बर्थडे तान्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। गुड मॉर्निंग, हम इस समय हिमाचल पहुंच चुके हैं कहीं बीच रास्ते में और अभी हम सुबह ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। ये रही हमारी गाड़ी एंड अभी हमारा सफर शुरू हो चुका है। नींद पूरी नहीं हुई, बस हम 2 घंटा सोए हैं रास्ते में, बट अभी कहीं खाने के लिए ऐसे रुके हैं ढाबे पे चाय वगैरह के लिए। खाना खाने तो उतर चुके हैं, पर आपको सून टू बी बर्थडे गर्ल से तो मिलवाया भाई। ये देखो अकेली पसरी हुई है यहाँ पे, ये फायदा उठाया जा रहा है कि सब उठे हुए हैं, गाड़ी से उतरे हुए हैं और ये जगह लेके सो रही है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। गाइस इस समय 3:30 बज चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं बीर और अब हम बिलिंग की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हम करने वाले हैं वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट एंड एशिया की हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग। सब बहुत नर्वस है, अलग अलग इमोशन फ्लो हो रहे हैं सबके बाहर, कुछ ना कुछ बोली जा रहे हैं। यहाँ चढ़ के हमारा क्या कहते हैं कैंप है और अभी हम उसी रास्ते जा रहे हैं। यार कितना ब्यूटीफुल है ये सब, कितना अमेजिंग है भाई। यार हम चल तो रहे हैं पर मेरा इस समय जो गिम्बल स्टैंड है जिससे मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था वो गाड़ी में मिल नहीं रहा है कहीं, और मैंने अभी वही हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बट आई एम वेरी एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इतना मुझे पता है। ट्रिप बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। लोगों को दिखाता हूँ सबसे पहले हमारे टेंट्स कैसे दिख रहे हैं। मैं आपको टेंट दिखाता हूँ, ये हमारे टेंट हैं, अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं और ये व्यू है भाई, ये बहुत ब्यूटीफुल है, मज़ा आने वाला है। So guys, आप जैसे कि देख चुके हैं हम पहुंच गए अपने कैंप में और ये रहा सारा लगेज और ये क्यूटी सा डॉग हमारे साथ ऊपर तक आ गया है। बहुत मज़ा आने वाला है एंड आई एम श्योर आप सबको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बात तो सही है। अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे ऊपर जहाँ पे वो सब पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, हम भी वही करने वाले हैं। कृतिका आर यू एक्साइटेड? यस आई एम सुपर एक्साइटेड एंड थोड़ा सा नर्वस, क्योंकि हम एशिया की सबसे बड़ी सबसे हाईएस्ट पैरा क्लाइडिंग करने वाले हैं। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो चलो चलते हैं। सो अब हम पैराग्लाइडिंग के लिए रेडी हो चुके हैं, अब हम वही जा रहे हैं। तो ताने कैसी लग रहा है, नर्वसनेस हो रही है? बहुत डर लग रहा है मुझे भी। मैं अपने बर्थडे वाले दिन कुछ एडवेंचरस करना चाहती थी एंड फाइनली आई एम डूइंग इट। वैसे यू आर लुकिंग प्रिटी टुडे। थैंक यू। सो डू आई। ये फॉर्म भर रहे हैं हम अभी हमारे पायलट से। जब हम गाड़ी का वेट कर रहे हो तो टाइम पास में लड़कियां करवाती हैं। यार उसको फोन करो यार। हमारी पैराग्लाइडिंग वाली गाड़ी आ चुकी है और ये रहे हमारे पैराशूट्स। हम पहुंच चुके हैं पैराग्लाइडिंग में। इस समय हमारी सबकी ताने ऑल सेट। पलक और मानिक के भी वो आ चुके हैं। पलक कैसा लग रहा है? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। बहुत ज्यादा मानिक आर यू एक्साइटेड?
कैसा लगा मेरा मजाक? मैं जा रहा हूँ पैराग्लाइडिंग के लिए। ये रे मेरे भैया, ये है मेरे पायलट जो मुझे आज पैराग्लाइड कराएंगे। भैया तो कैसा रहने वाला एक्सपीरियंस ऊपर? बहुत अमेजिंग रहेगा, मजा आएगा। चलो आप पे ट्रस्ट करके लेके जा रहे हैं, मेरा पहली बार है और एशिया का सबसे बड़ा है तो बस मजा आना चाहिए। तो अब ये मैं पहनने वाला हूँ सूट, जिसको पहन के हम पैराग्लाइड करते हैं और ये हमारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं जैसे कि इन्होंने कहा। और ये प्रोसीजर होता है, सबसे पहले हम ये सूट पहनेंगे और बाकी आप बताइए कुछ। इन द एयर ना, ये लोक नहीं टच करने, ठीक है? ओके, जब मैं रेडी हो जाऊंगा आपको रेडी कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको बोलूंगा रन, ठीक अच्छा। है तो आपको भागना है, ठीक है? ठीक है ना, और तब तक भागना जब तक मैं बोलता रहूंगा भागो भागो भागो। अच्छा ठीक है, जंप नहीं करना है, बैठना नहीं है, ठीक है? ठीक है, ओके। सो गाइस आई एम एक्साइटेड, ये मेरा लाइफ सूट, ये मेरा पायलट और ये रहा मेरा ग्लाइडर। चलो सी यू। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया, बहुत प्यारा था। मतलब मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा, मैं एकदम बर्ड की तरह फील कर रहा था गाइस। बहुत ब्यूटीफुल, मतलब जिसे कहते हैं ना कि वर्ल्ड्स बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, आज का, आज की डेट का, बहुत अच्छा रहा। और ये थे हमारे पायलट जिन्होंने बहुत बढ़िया से एक्सपीरियंस कराया गाइस। ये सनसेट व्यू है और देखो यहाँ पे लोग लैंड करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहा। इट वॉज लाइक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था इन लोगों के लिए भी। आप लोग कितना डर रहे थे पर कितना मजा आया वैभव। ये देखो ना निखिल तान्या, कैसा रहा एक्सपीरियंस? ब्रो एक सेकंड बताओ। स्पीचलेस। गाइस ये पूरे कबाना में हमें सिर्फ ये एरिया दिखा है जहाँ हम तान्या का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो पलक आई अभी फिलहाल मेरे साथ जो इसमें हेल्प करेगी। और ये लाइट्स थी यहाँ पे तो हमें बढ़िया लग रहा है, बाकी हम सोच रहे थे कहाँ करें, बट ये अच्छा है यहाँ पे। अब ये हैप्पी बर्थडे का ले आए, ये बलून्स हैं हमारे, कुछ हम बलून्स फुला लेंगे तो उसके आने से पहले का सरप्राइज हम यहाँ रेडी करने वाले हैं। गाइस तान्या के लिए हमने ये डेकोरेशन कर दिया उसके बर्थडे के लिए, आई होप आपको भी सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। फिलहाल तान्या रेडी हो चुकी है और मैं उसको टेंट में लेने आया हूँ। सो आर यू एक्साइटेड तान्या? आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर प्लानिंग, बट या आई हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी इन अ डे, सो जो भी होगा इट विल बी अ चेरी ऑन टॉप। ओके ग्रेट, चलो फिर मिलते हैं, चलते हैं। निकल तो और लग जाता है, ये बॉनफायर का सेटअप है। ओए ओए इधर देख, इधर देख, वो माने गिरा मत दियो, लड़ जाएगा। मैं शिकारपुर से। हैप्पी बर्थडे तान्या। Happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Tanya, happy birthday to you. सो गाइज अब एंड करते हैं इस व्लॉग को, बहुत अमेजिंग रहा आज का दिन जैसे कि आप लोगों ने देखा, बहुत सारी मस्ती थी, बहुत सारा फन था, एडवेंचर अलग लेवल था, आने का बर्थडे भी सरप्राइज हो गया। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं कल सुबह।